विधायक इरफान अंसारी के पिता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की गाड़ी सीएम हेमंत सोरेन के काफिले की जिप्सी से टकरा गई। इस एक्सीडेंट में उन्हें हल्की चोट लगी है। मौके पर तैनात डॉक्टर अजीत कुमार ने उनकी प्रारंभिक जांच की। बताते चलें कि पूर्व सांसद के हाथ में चोट लगी है। फिलहाल उनका इलाज एचसी स्थित पारस अस्पताल में किया जा रहा है। बताते चलें कि झारखंड विधानसभा परिसर में फुरकान अंसारी की गाड़ी सीएम हेमंत सोरेन की काफिले में चलने वाली जिप्सी से टकरा गई। जब वे पत्रकारों से बातचीत कर विधानसभा परिसर से निकल रहे थे तभी यह घटना घटी। विधानसभा में प्रतिनियुक्त डॉ अजीत कुमार मौके पर पहुंचकर उनका शुरुआती जांच की। बताया कि पूर्व सांसद के हाथ में चोटें आई हैं। जैसे ही विधायक इरफान अंसारी को इस दुर्घटना की जानकारी मिली वे सदन के अंदर से दौड़कर बाहर आए, घटनास्थल से पिता को लेकर अस्पताल गए। पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के हेल्थ को लेकर पारस अस्पताल के डॉ नितिश ने बताया कि उनकी स्थिति ठीक है, हाथ में चोट लगी है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। पल्स देखा तो पल्स ठीक चल रहा था, चेस्ट में वो अपना दर्द बता रहे थे तो हम लोगों ने एम्बुलेंस बुला रखा था। तुरंत एम्बुलेंस में हम लोगों ने चढ़ा के उनको भेजा। हाथ में उनका लेफ्ट साइड में थोड़ा कट है, हल्का ब्लड आ रहा था, तो इसलिए जल्दी से भेजा गया कि जितनी जल्दी से जल्दी उनको इलाज मिल जाए। अगर ऐसे कहा जाए अभी देखने से तो नहीं लग रहा कि बहुत सीरियस कुछ इंजुरी अंदर में है, लेकिन पूरा एग्जामिनेशन के बाद ही कहा जा सकता है। पैर में चोट लगी है? पैर में नहीं, यहाँ पे बता रहे थे, हाथ में बता रहे थे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर अजीत, सर्जन सदर अस्पताल रांची। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।